ब्राह्मण को लुभाने की हैसियत ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है, ना मोहन भागवत में है, और ना योगी आदित्यनाथ में है। राहुल गांधी ब्राह्मण है, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। भ्रष्टाचार का उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में बोलबाला है, भारत सरकार में भी बोलबाला है। ब्राह्मण कह रहे हैं जेब में रख के घूमते हैं, तो ब्राह्मण जेब में। बाप के चपरासी है ब्राह्मण, उनके बाप के चपरासी है ब्राह्मण। एम्स बनवा दिया जी, दूसरे काम का फीता काट दिया। मेट्रो बनवा दिया जी, दूसरे के काम का फीता काट दिया। उसके बाद भाई जान, अब्बा जान, ये तमाम तरह के जो बोल रहे हैं, ये ना कोई कांग्रेसी बोल रहा है और ना ही कोई और बोल रहा है, सिर्फ भाजपाई, सिर्फ भाजपाई। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और इस वक्त देश में जो भी हालात बन रहे हैं, क्या ये विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। हाल ही में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी भी मौजूद थे। विकास कहते हुआ नहीं, विकास का मॉडल ही तो है ये। अखिलेश जी के रीजन में 319 किलोमीटर का उद्घाटन हुआ, 8 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, या यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। उसका कास्ट 2016 में उसकी कास्ट क्या आई थी, और ये 340 किलोमीटर का और इसकी कास्ट क्या आई, उससे आप अंतर लगा लीजिए कि कितनी बंदर बांट है। और ये 6 लेन का है, चौड़ाई भी कम है, और वहाँ पे रहने के लिए ठहराव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भ्रष्टाचार का उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में बोलबाला है, भारत सरकार में भी बोलबाला है। जो विकास आप कर रहे हैं, एम्स बनवा दिया जी, दूसरे काम का फीता काट दिया। मेट्रो बनवा दिया जी, दूसरे के काम का फीता काट दिया। उसके बाद भाई जान, अब्बा जान, ये तमाम तरह के जो बोल रहे हैं, ये ना कोई कांग्रेसी बोल रहा है और ना ही कोई और बोल रहा है, सिर्फ भाजपाई, सिर्फ भाजपाई। अच्छा, भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था भारत। अच्छा, तो मुस्लिम राष्ट्र में मोहन भागवत, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, योगी आदित्यनाथ कैसे नॉन मुस्लिम रह गए, जब कांग्रेस के रीजन में मुस्लिम राष्ट्र ही था, तो ये लोग कहाँ से नया बनशंकर आ गए, आप बता दीजिए। अगर सेक्युलरिज्म समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर के चलना, तो अनेक धर्मों का सम्मान करना, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, तो कांग्रेस सीना ठोक के कहती है कि हमें वो राष्ट्र प्यारा है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, भाईचारा हो, गंगा जमुनी तहजीब हो, विकास का लाभ जो है वो निचले पावदान पे व्यक्ति के पास पहुँचे। कांग्रेस ने कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी बांग्लादेश की युद्ध जीतने के बाद बांग्लादेश का राष्ट्र निर्माण करने के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, भारत के कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गए बिन बुलाए। हमारे वहाँ कभी आतंकवादी हमला हुआ, चुनाव के टाइम पे तो मंदिर जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ये क्यों आरोप लगते हैं कि चुनाव आते ही उनमें ढल जाते हैं? वो मंदिर जाते हैं, उसमें जाते हैं तो टोपी लगा लेते हैं। भाई, मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं भी मजारों पे जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ। हर धर्म को बड़े करीब से देखने की तमन्ना मेरे हृदय में रहती है। तो अगर राहुल जी ये काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई गुनाह नहीं करते हैं। चुनाव
के टाइम पे ही क्यों करते हैं? वो चुनाव के समय नहीं करते हैं, वो हमेशा करते हैं। अरे राहुल गांधी के एक ट्वीट पे पूरी भाजपा खरमंडल मच जाती है। पूरी भाजपा की जो कैबिनेट है सफाई देने और मोदी जी को बचाने में। आप कह रहे हैं आप ब्राह्मण हैं, तो बीजेपी के नेता ने बोला है कि एक जेब में बनिया और एक जेब में ब्राह्मण लेके घूमते हैं। भैया मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस्लाम से भी मोहब्बत है, मुझे ईसाइयत से भी मोहब्बत है, मुझे सिख धर्म से भी मोहब्बत है, हिंदुस्तान में रहने वाले तब सभी धर्मों को मानने वाले अनुयायियों से मोहब्बत है। हम गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन संघ परिवार और बीजेपी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए दंगा फसाद खून खराबा गोधरा जैसा कांड करवाने के लिए व्याकुल भारत हुआ है। बीजेपी तो जातिवाद की बात ही नहीं करती है, जातिवाद तो खत्म ही हो गया उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा है क्या कि जातिवाद ही नहीं रहा बिल्कुल, अब तो सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ था जो 20-22 हज़ार ब्राह्मणों की हत्या हुई मुसलमानों तो की। ब्राह्मण कह रहे हैं जेब में रख के घूमते हैं, तो ब्राह्मण जेब में बाप के चपरासी है ब्राह्मण, उनके बाप के चपरासी है ब्राह्मण है? तो के बहाने कैसे बयान कैसे दे सकते हैं फिर प्रधानमंत्री? पूरे विश्व में जुमलेबाजी के लिए बकायती के लिए ढपोर संखी होने के लिए मशहूर हैं, उनकी बात पे अब हिंदुस्तान की लोकप्रिय नेता हैं। बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया लोकप्रियता। अरे बाइडेन को छोड़ने जब कहावत है कि सजनी हम हूँ राजकुमार, वही हालत जो है माननीय प्रधानमंत्री की है कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जर्मनी की चांसलर, इटली के प्रधानमंत्री, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनको सत्य अहिंसा गांधी और पंडित नेहरू के विचारों को अपनाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अमेरिका हमको शिक्षा दे रहा, उपदेश दे रहा, तो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस देश में कुछ नहीं हो सकती है। और कहकशा जी आप भी यूपी की हैं, मैं भी यूपी का हूँ, चुनाव बाद डिस्कस कर लेंगे, कांग्रेस की सरकार आ रही है 250 सीट जीत करके। अच्छा तो ब्राह्मण को कौन लुभा रहा है, वो तो जेब में लग के रख के घूम रहे हैं। भाई ब्राह्मण इस एक बार तो नजर गुस्से में आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण इस देश का भाग्य विधाता है। हाँ वो योगी और मोदी के झांसे में नहीं जाने वाला। अच्छा अगले महीने ऐलान कर दिया है कि टैब देंगे 1 लाख की कीमत वाला, 19,000 का फोन होगा कीमत, उसकी कीमत होगी। कौन योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ अगले महीने बांटना शुरू कर देंगे। अच्छा देख लीजिए, अब वो बांटना मैंने घूस दे रहे हैं वोट पाने के लिए, जनता को रिश्वत देने का आप काम कर रहे हैं। रिश्वत क्या दे रहे हैं, विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं तो फिर क्या? अरे मैं एक बता रहा हूँ, 4.5 साल 4.5 साल तो आपने कुछ देश उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कुछ दिया नहीं, तो अब घूस नहीं दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दे रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? लूटा है दे रहे हो। हाँ क्या लूटा, कहाँ लूटा, कुछ क्या लूटा बताइए। उत्तर प्रदेश के जब घोटाले खुले, प्रदेश नहीं है उत्तम प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश नहीं है, जंगल राज कायम है, जंगल राज कायम है, समझ रही हैं? आज के केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, पटाखा पलाली जलाने से है। अरे मूर्खाधिराज, दिल्ली में सड़कों पे धूल उड़ रही है, ये गाड़ियों का धुआं जो है ये जहरीला नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, तो और क्या फैलेगा? गाड़ियों को बंद करो, मेट्रो से यात्रा करवाओ। इवन की बात भी तो करते हैं, तो कर दें, उसको लागू कर देना चाहिए ना कि अभी को तो सीएम योगी की आप बात करें, चुनाव नजदीक है, जब वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो क्या करेगा विपक्ष फिर? ब्राह्मण के ब्राह्मण को लुभाने की हैसियत ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी में है, ना मोहन भागवत में है, और ना योगी आदित्यनाथ में है। देखिए बेरोजगारी, महिलाओं
के ऊपर अत्याचार चीरहरण, और जिस प्रदेश में चीरहरण हुआ हो उस प्रदेश की सरकार का पतन निश्चित है। कह रहे थे कि एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है, अब कहीं कुछ नहीं, प्रदेश वे बन गया। एक्सप्रेस वे का विकास जो है ये चुनाव में कितना, कोई काम नहीं करेगा। यहाँ जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी से जनता परेशान है, भूखमरी के कागार पे पहुँच चुकी है, उसको एक्सप्रेस वे और इससे कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रोजगार, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, छात्रों को स्कूल में उचित शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, इन्होंने बता दिया है कि जो एक्सप्रेस वे का विकास है ये नहीं चलने वाला है, चलेगा तो सिर्फ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर अच्छी हुई तो ही लोग इन्हें वोट देंगे। लेकिन अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि लोग इन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, फिर से योगी की सरकार चाहते हैं या सत्ता में किसी दूसरी सरकार को लाना पसंद करेंगे। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए PRB। धन्यवाद।